बैक टू माय चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम। गाइस ये मैं उड़द दाल की खिचड़ी बना रही हूँ जो हम लोग मकर संक्रांति पे बनाते हैं। झटपट बनने वाली और बहुत टेस्टी है। पुदीने की चटनी और दही के साथ में और अचार के साथ में एंजॉय कीजिए। इसमें चावल डाले हैं और मैंने उड़द की दाल डाली है। जितनी दाल आप डालेंगे इस चावल में उतनी ही टेस्टी बनेगी। और इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहें इसे कुकर में बना सकते हैं, मैं इसे खुले में बनाती हूँ ताकि थोड़े चावल जो हैं खिले खिले बनते हैं। और ये देखिए इस तरह भी मैंने बनाने रखा है इसको। और बहुत से लोग जानते भी होंगे इस चीज़ के लिए और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो आप देख लीजिए। जब भी अगर इसे कभी मन करता है झटपट कुछ बनाने के लिए तो आप इसे इस तरीके से बना के खिचड़ी खा सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी होती है, सब्जियों वाली खिचड़ी होती है, तहरी होती है, उड़द की दाल की होती है, अरहर दाल की, तुअर दाल की भी खिचड़ी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये रेसिपी भी शेयर करूँ। आप इसमें घी डाल दीजिए, मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें हल्दी यूज़ नहीं करनी है और कुछ भी नहीं डालना है। आप यूँ ही इसको बनाना और खाना, आप देखिएगा जब इसका पानी सोख जाए तो आपकी खिचड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसको ढक दे रही हूँ। जो न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। कुछ नहीं करना है गाइस, बस कंप्लीट हो गई है, बस ये बन जाएगी खिचड़ी। और आपको शायद मैं शॉर्ट में दिखा भी दूंगी जब खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइस।